होंडा एक्टिवा की छुट्टी करने टीवीएस मोटर्स लॉन्च कर रही है नया जुपिटर स्कूटर। जी हाँ मेरे भाई, टीवीएस मोटर्स बेहद ही जल्द अपने सबसे लोकप्रिय स्कूटर जुपिटर को बिल्कुल ही नए अवतार में लाने जा रही है। अपकमिंग टीवीएस जुपिटर 125 स्कूटर दिखने में काफी स्टाइलिश होने वाला है। हाँ, ये एकदम सच है, जुपिटर 125 स्कूटर अब लुक्स और फीचर्स के मामले में होंडा एक्टिवा की छुट्टी कर देगा, ये तो पक्का है। अगर आप भी जुपिटर 125 स्कूटर के नए अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें टीवीएस जुपिटर स्कूटर के नए अवतार की तो कंपनी इसे बेहद ही जल्द भारतीय बाजार में उतार सकती है। जुपिटर का ये नया अवतार अब पहले से कई सारे जबरदस्त टेक्नोलॉजी फीचर्स से लोडेड होगा। अपकमिंग टीवीएस जुपिटर स्कूटर में मिलने वाले इंजन की अगर हम बात करें तो कंपनी इस स्कूटर में 109.7 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर युक्त BS6 कंप्लायंट इंजन देगी जो कि 7.47 bhp की पावर और 8.4 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। टीवीएस जुपिटर स्कूटर कुल 6 वेरिएंट में लॉन्च होगा। हाल ही में टीवीएस ने जुपिटर को 5 वेरिएंट में लॉन्च करा था जिसमें शीट मेटल, स्टडेड, ZX, ZX डिस्क और क्लासिक शामिल हैं और अब नया वेरिएंट भी नए नाम से आएगा। फीचर्स और डिजाइन की बात करें तो अपकमिंग टीवीएस जुपिटर में आपको कई सारे नए टेक्नोलॉजी फीचर्स मिलने वाले हैं। कंपनी ने जुपिटर में इंटीग्रेटेड स्टार्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाली है जो कि स्कूटर को साइलेंट फीचर प्रदान करता है। जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हैं तब स्कूटर बिना आवाज के स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा नए जुपिटर में आपको LED हेडलाइट्स के साथ 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज स्पेस दिया है। इस स्कूटर में मोबाइल फोन चार्जर भी दिया है जिससे आप कहीं पर भी अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। माइलेज रेंज की बात करें तो अपकमिंग टीवीएस जुपिटर अब पहले से 15% ज्यादा माइलेज देगा। नया स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल से 80 से 90 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देगा जो कि अपने आप में काफी खास है। रही बात अपकमिंग टीवीएस जुपिटर स्कूटर की कीमत की तो बता दें कि कंपनी नए जुपिटर को 70,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च कर सकती है जो कि 80,000 रुपए तक जाएगी। कंपनी इस स्कूटर को इसी साल में कभी भी लॉन्च कर सकती है। मुकाबले की बात करें तो अपकमिंग टीवीएस जुपिटर का कड़ा मुकाबला होंडा एक्टिवा से होगा। हमें लगता है आपको अपकमिंग स्कूटर टीवीएस जुपिटर के बारे में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।